नमस्कार दोस्तों, इस दिवाली सीरीज के सेकेंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस की नेक्स्ट इम्पोर्टेंट 5 टिप्स देने वाली हूँ। 6th इम्पोर्टेंट टिप है रेवेन्यू मॉडल। कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को अच्छे से समझ लीजिए। कंपनी कैसे और कहाँ से कमाई कर रही है, कंपनी के रेवेन्यू रिकॉर्डिंग प्रोसीजर्स कैसे हैं, कंपनी को बाय प्रोडक्ट बाय ज्योग्राफी कितना रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जानिए और अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। अब 7th इंपॉर्टेंट टिप है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये एक नॉन इन्वेंटरी कंपनी है तो टर्म यूज होता है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, और अगर ये एक इन्वेंटरी कंपनी है तो टर्म यूज होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वो खर्चे होते हैं जो सर्विसेज देने में और प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। समझिए इन खर्चों में फ्लक्चुएशन होता है या नहीं होता है, और अगर फ्लक्चुएट होता है तो क्या कंपनी इन फ्लक्चुएशंस को कस्टमर्स को पास ऑन कर पा रही है। तो दोस्तों, ये सारी बातों का ध्यान रखिए कॉस्ट ऑफ सर्विसेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एनालाइज करते टाइम। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जब आपने डायरेक्ट खर्चों को समझ लिया तो अब समझिए कंपनी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। ये वो खर्चे हैं जो सर्विसेज देने में या प्रोडक्ट बेचने में डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होते। इन खर्चों को एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू समझिए, और अगर कोई मेजर वेरियंस या डिविएशन है तो उसके रीजंस को अच्छे से एनालाइज कीजिए। 9th इंपॉर्टेंट टिप है इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट, जिसे हम फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, समझिए कंपनी किस परसेंटेज पे इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रही है। ये इंटरेस्ट कॉस्ट बोरिंग्स पर है या टैक्सेस के नॉन पेमेंट पर है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले। अब 10th और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप इस एपिसोड की है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को समझना बहुत ही जरूरी है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो रिलेटेड पार्टीज के साथ किए जाते हैं। कंपनी की सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर्स, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सभी कंपनी के रिलेटेड पार्टीज के अंडर आते हैं। काफी कंपनीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फ्रॉड में फंस जाती है, तो इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए ये 5 टिप्स थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 5 टिप्स के बारे में